हेलो नमस्ते एवरीवन, दिस इज स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आप सबको पता ही है मैं आ गई हूँ घर और ये तो मेरा सेकंड डे घर पे। और सुनाहा के शॉवर लेके मैं रेडी हो गई हूँ और लंच का टाइम हो गया। ब्रेकफास्ट वगैरह तो मैंने शूट ही नहीं किया बिकॉज उतना ही इतना लेट होता है। सो बस मैं लंच करने बैठ रही हूँ, अपना रिमोट और स्पेक्स ले लिया मैंने टीवी चालू करने। सो जब तक मैं खाना खा रही हूँ आप लोग जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आया है तो, एंड अगर इससे पहले भी आया है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है एंड मेरे बाकी ब्लॉग्स भी जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। सो, यहाँ पे मैं लंच कर रही हूँ एंड लंच में ना मोस्टली मैं यहाँ पे स्पेशली जब भी आती हूँ घर पे तो मैं राइस ही प्रेफर करती हूँ खाना, बिकॉज सुबह ब्रेकफास्ट में भी रोटी एंड रात में भी तो दिन में मोस्टली राइस ही खाती हूँ। फिर लंच वगैरह करके यहाँ टीवी देखते आराम से बैठी हुई थी मैं, कोई टेंशन नहीं। वीकेंड था तो लॉगिन भी नहीं करना था, फिर इधर से बैठे बैठे लेटे लेटे पूरी शाम हो गई बस टीवी देखते देखते। उसके बाद शाम को फिर हमने ना चाय और मस्त गर्मा गर्म चाय पी। यहाँ पे एक्चुअली इतनी ज़्यादा ठंड है और बिल्कुल भी ना क्लाउडी क्लाउडी वेदर है, बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे हो गई है। सो यहाँ पे मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम दोनों के लिए चाय बनी है तो हम चाय पी रहे हैं, अपना अपना कप लेके हम जा रहे हैं बाहर हॉल में टीवी देखते हुए, बिकॉज दिन भर टीवी चलती ही रहती है तो फिर हम लोग सब हॉल में बैठ के चाय पी रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने चाय ला ली है, अपनी टीवी भी ऑन है और फिर हम लोग चाय पीते पीते मम्मी मैं और मेरी सिस्टर थी घर पे। सो हम तीनों ही हैं अभी, तो हम लोग कुछ कुछ बात कर रहे थे सब इधर उधर की। सो इतना टाइम बात हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सब जमा हो जाती हैं, तो फिर हम सारी बातें कर रहे थे कुछ कुछ और चाय भी पी रहे थे। तो वैसे तो मन करता है जाने का बट यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मुझे बिल्कुल भी घर से निकलने का मन नहीं करता। ऊपर से ठंड के कारण ना दिन भर मुझे नींद आते रहती है यहाँ पे। सो बस अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। उसके बाद फिर हमने चाय वगैरह पी और फिर यहाँ पे तो मैंने बताया ना बाहर ठंड के कारण हम लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं, तो मम्मी और मैं बाहर ही यहाँ पे हमारा जो पोर्च है वहीं पे वॉक कर रहे थे बस। सो यहाँ पे अभी ना पहले बहुत सारे प्लांट्स हमने रखे हुए थे नीचे, बट अभी सब स्टेयर्स है ऊपर, रेंट्स में भी है रूम तो हमने अभी वो सब ऊपर टेरेस पर शिफ्ट कर दिए। तो यहाँ पे बहुत ही कम, बहुत क्या, एक ही शायद ये जो बड़ा वाला कॉर्नर पे प्लांट दिख रहा होगा ना वो रखा है, बाकी सारे प्लांट्स ऊपर मम्मी ने शिफ्ट कर दिए। सो यहाँ पे कोई आंटी जा रही थी ना तो मम्मी उनसे बात कर रहे थे रास्ते से। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा देर वॉक किया, उसके बाद फिर मम्मी बाहर चली गई गेट निकल के, तो फिर मैंने बोला कि रुक जाओ मैं भी आती हूँ। और बाहर देखो यहाँ पे एकदम जो सामने वाला घर है ना वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है एंड डबल स्टोरी, सो पूरी धूप रुक जाती है। पहले वरना हमारे घर बहुत ज़्यादा धूप आती थी सुबह सुबह, सो अभी वो पूरी बंद हो गई है इसलिए। सो फिर मम्मी बाहर थी तो फिर मैं भी बाहर चली गई थोड़ा सा ऐसे ही यहीं पे वॉक करने। और देखिए हमारा जो घर है ना उसके बाजू में और एक घर है और उसके बाजू में ऐसे सारे खाली प्लॉट्स हैं आमने सामने। सो ना यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटा मिनी जंगल बन गया है, मैं क्या बताऊँ। बहुत सारे इसमें ना ये जो वेस्ट प्लांट्स होते हैं वो हो गए हैं और घर जो कंस्ट्रक्ट होता है ना उसका मटीरियल सब यहीं पर डंप करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ना बहुत सारे मस्कीटोज़ वगैरह भी होने लगता है। बट ना ये एरिया ऐसा ही है क्योंकि ये जिनका प्लॉट है ना वहाँ पर कोई कुछ करवा भी नहीं सकता, सो वो सब ऐसे ही पड़े। सो यहाँ पे देखिए आज थी पूर्णिमा, मतलब फुल मून नाइट थी, सो यहाँ पे चांद कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। सो पूर्णिमा थी तो मम्मी बिहार जा रहे थे तो मैंने बोला कि मैं भी चलती हूँ साथ में करके। सो मैं हम लोग घर आए वापस, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बस हुलिया ठीक किया अपना, रेडी हुए और फिर मम्मी और मैं निकल गए हैं बिहार जाने के लिए। तो यार हमारे घर से बहुत ही पास में है, 5 मिनट्स का ही डिस्टेंस है और यहाँ से रेलवे स्टेशन भी बस 2 मिनट ही लगता है जाने, 2 to 5 मिनट्स, और वो भी स्कूटी में जाओ तो वो भी नहीं लगता है। सो मम्मी और मैं वॉक करते करते ही आ गए बाहर, और बिकॉज सब जगह ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो रेती मिट्टी का इतना ज़्यादा डस्ट पूरा उड़ता है ना बाप रे, उस वजह से मुझे इतनी स्नीजिंग हो रही थी। सो मम्मी और मैं यहाँ पे चल रहे हैं और आपको पता, देखिए स्टेशन है ना, स्टेशन के एकदम सामने में ही विहार है। सो आज पूर्णिमा थी इसलिए मैं भी मम्मी के साथ चली गई। सो
हम लोग आ गए हैं विहार, यहाँ पे वंदना वगैरह की है। उसके बाद आज पूर्णिमा थी इसलिए ना यहाँ पे मॉन्क्स भी थे और तीन चार सारे चार मॉन्क्स भी आ गए थे, यूजली वरना एक या दो ही रहते हैं। तो सब अच्छे से वंदना वगैरह हो गई। उसके बाद नीचे प्रसाद में खीर मिल रही थी, सो यूजली हमारे वहाँ इसमें खीर ही मिलती है प्रसाद में, तो यहाँ पे खीर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सबको। सो हमने खीर बनाई और ये खीर ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा। सो उसके बाद घर आए, डिनर पे मम्मी ने बनाया था मेथी मटर और आलू की मिक्स सब्ज़ी और साथ में रोटी, तो मुझे ये भाजी बहुत ही पसंद होती है और यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छे मिलते हैं। सो मम्मी गर्म रोटी बना रही थी, मैंने रोटी सब्ज़ी लेके आ गई और मैं बैठ गई डिनर करने। सो ऐसा था आज का दिन, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।